प्राचीन श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कलानौर में शिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भोले बाबा जी के दर्शनों को लेकर देर रात से ही मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। इस दौरान मंदिर कमेटी की ओर से शिव भक्तों के लिए दर्शन को लेकर उत्तम व्यवस्था की गई है, जिसमें शिव भक्त भी पूर्णतः सहयोग करते हुए भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। देर रात से ही मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन भी जारी है। शिव भक्त भोले बाबा जी को कावड़, गंगाजल, पंचामृत, भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि अर्पित कर प्रसन्न करते हुए नजर आ रहे हैं। भोले बाबा जी के मंदिर के अगर बात की जाए तो प्राचीन श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सैकड़ों सालों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। भोले बाबा जी का यह मंदिर अति प्राचीन है। भक्तों की माने तो भोले बाबा यहाँ स्वयंभू रूप में स्वयं विद्यमान है। यहाँ सच्चे मन से भोले बाबा जी के दर्शन करने वाले भक्त की प्रथम बार में ही भोले बाबा सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाबा का यह मंदिर दक्षिण मुखी है। प्रत्येक शिवरात्रि व महाशिवरात्रि पर प्राचीन श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा भी प्रत्येक सोमवार को भोले बाबा जी का कीर्तन व भंडारा किया जाता है। प्रतिदिन संध्या के समय शिव भक्तों द्वारा भोले बाबा जी का मनमोहक श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से भक्तजन प्राचीन श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कलानौर पहुँचते हैं व भोले बाबा जी की आरती में शामिल हो बाबा के दर्शन करते हैं। कैसे पहुंचे प्राचीन श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कलानौर? भोले बाबा जी के दर्शन करने हेतु आप हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के कलानौर शहर में पहुंचकर भोले बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली से कलानौर पहुंचने के लिए काफी अच्छा सुगम मार्ग मौजूद है। ये प्राचीन मंदिर कलानौर पुराने बस स्टैंड के नजदीक ही विद्यमान है। मंदिर के नजदीक ही पार्किंग की व्यवस्था है। मंदिर के समीप बाजार बना हुआ है, जहाँ से आप भोले बाबा जी को अर्पण करने हेतु प्रसाद, पुष्प इत्यादि ले सकते हैं। कंठ महादेव की जय। भोले बम बम, 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 भगवान की जय। से लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं और आज तो सुबह से ही 12 बजे से लोगों का भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी धूमधाम से पर्व को मनाया गया। अब तक की बिना गिनती के ही हजारों भक्तों के दर्शन कर चुके हैं। सुबह से रात को 12 बजे से ही लाइन लगी हुई। हमारी कमेटी के सभी सदस्य मिलजुल कर सबका सहयोग से बहुत अच्छा इस शिवरात्रि के पूर्व पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आए, हजारों की संख्या में यहाँ आके अभी तक दर्शन कर रहे हैं। मेन रोड तक, मंदिर से लेके मेन रोड तक भक्तों की लाइनें लगी हुई है। सुबह से रात के 12 बजे से देख रहे हैं, रात को 12 बजे से दर्शन करा रहे हैं, अभी तक जल शंकर भगवान का बहुत ही देशों में बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, लिंग शिवलिंग है। इससे भगवान भोलेनाथ की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, भोले सबकी। और सबसे बड़ी बात, जितने भी भक्त यहाँ पे आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज तक कोई भोले बाबा के दर से खाली नहीं गया। श्री योगेश जी जुने सूरत वाले वो भी आए थे, विधायक भी आए थे यहाँ पे रात को। हजारों की संख्या में अनगिनत हजार तो क्या थे, अनगिनत भोले बाबा के भक्त हैं। भोले बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जो भी भोले बाबा के दर पे आए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। वो शंकर भगवान की जय। 3 तारीख से लेकर और आज 2 तारीख तक पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी रही। पूरे गांव वालों ने सहयोग दिया। पूरे गांव ने, पूरी मार्केट में, पूरे सेवादारों ने, सबके मिलने से सहयोग दिया। सबने मिलके तन मन और धन से सहयोग दिया। सबने कम से कम 5-6 हजार लोग थे रात को जागरण पे। अब तक 3 हजार लोग दर्शन कर चुके हैं। हम सवेरे 5 बजे प्रसाद वितरण शुरू किया था और अब 12 बज चुके हैं। यहाँ तक तो यहाँ पे मांग के जाओ और गेट तक ही पूरी होने, पूरी गेट तक ही पूरी कर देते हैं। गेट तो बाहर में निकलेगा, पहले वहीं पूरी कर देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ये मंदिर पिछले 50 साल से हम भी दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले से चल रहा है। बहुत ही सेवक हिंदुस्तान से कोने कोने से पानीपत से यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। अपने बच्चों के साथ मानते भी मान जाते हैं। जब पूरी हो जाए तो सभी यहाँ माता देखने के लिए पहुँचते हैं। बोल सिद्धेश्वर महादेव की जय।